नमस्कार, बोल के लब आजाद है तेरे। वो फिल्म थी शोले, उसमें एक डायलॉग था, तुम हमारे एक मारोगे हम तुम्हारे चार मारेंगे। अब आप ये कहेंगे कि मुझे शोले क्यों याद आ रही है। मुझे शोले इसलिए याद आ रही है दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने शिवसेना के विधायकों के घर पर रेड मारी है, यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की रेड। और आपके स्क्रीन पर यह शख्स है प्रताप सरनायक, और इस तस्वीर में आप इन्हें आदित्य ठाकरे के साथ देख रहे हैं। कौन है प्रताप सरनायक, आप मुझसे पूछेंगे। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल सभा अब तक तेरी है। प्रताप सरनायक वो शख्स है दोस्तों जिसने सरकारी पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ, जी हां, सरकारी पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव, महाराष्ट्र विधानसभा का विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने को के पीछे जो इंस्ट्रूमेंटल था, जिसकी सोच थी, जिसने इसे आगे बढ़ाया था, ये वो शख्स था। ये वो शख्स था दोस्तों जिसने अन्वय नायक सुसाइड केस में, जिसमें अर्नब गोस्वामी जो है वो आरोपी है, इस मामले को आगे बढ़ाने में जो शख्स इंस्ट्रूमेंटल था वो ये शख्स था, प्रताप सरनायक, शिवसेना का एक विधायक। यही नहीं, प्रताप सरनायक वो भी शख्स है जिसने कंगना रनावत के खिलाफ कड़े तेवर अपनाए थे, और कंगना रनावत के खिलाफ जो कड़ाई महाराष्ट्र सरकार ने दिखाई उसमें इस शख्स की भी भूमिका थी। इसलिए मैंने आपको शोले का वो डायलॉग बताया था कि तुम हमारे एक मारोगे हम तुम्हारे चार मारेंगे। मगर इससे जुड़ी एक और चीज है दोस्तों, अगर आप गोदी मीडिया का हिस्सा है ना, और अगर आप लगातार सरकार की गोदी में बैठे हो, तो सरकार आपकी इस कदर सेवा करती है। प्रताप सरनायक की चर्चा इससे पहले कभी नहीं हुई, मगर अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो रेड मार रही है इस घर के शख्स पर, उसके बेटे को गिरफ्तार कर रही है, तमाम चीजें इस तरह से कर रही है। इससे पहले इसकी कोई चर्चा नहीं थी। इस शख्स की चर्चा इसी बात को लेकर थी कि चाहे ये शख्स अर्नब गोस्वामी या कंगना रनावत, इन दोनों को लेकर इस शख्स ने कड़े तेवर अपनाए। और कहीं ना कहीं यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या बीजेपी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के इन रेड्स के जरिए कोई संदेश दे रही है उन लोगों को जो उनके चाटुकारों को टारगेट करते हैं। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि वाकई क्या जरूरत है पत्रकारिता करने की, क्या जरूरत है सत्ता से सवाल पूछने की, क्योंकि अगर आप इस तरह से गोदी में बैठे हो सरकार की तो सरकार आपका ऐसा ख्याल रखती है। जबकि आप जानते हैं इसी मंच यानी न्यूज क्लिक पर बैठकर मैंने आपको बतलाया था कि अर्नब गोस्वामी को अन्वय नायक केस में, सुसाइड केस में जो गिरफ्तार किया गया है वो राजनीति से प्रेरित है। अगर शिवसेना और बीजेपी की सरकार एक साथ होती महाराष्ट्र में, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं अन्वय नायक सुसाइड केस में अर्नब गोस्वामी के गिरेबान पर कोई हाथ नहीं डालता। चूंकि अर्नब गोस्वामी ने लगातार महाराष्ट्र की सरकार को गैर वाजिब तरीकों से, निहायत ही अश्लील तरीकों से टारगेट किया था, यही वजह है कि उस पर इस मुद्दे को लेकर कार्रवाई हुई। खैर, मेरा यह भी कहना था कि चाहे वजह जो भी हो, कम से कम नायक परिवार को अब इंसाफ की एक हल्की सी, एक धीमी सी किरण तो दिखाई दे रही है। मगर आज बोल के लब आजाद तेरे में ये जो कार्यक्रम मैं आपके सामने कर रहा हूं, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद यह है कि अगर आप इस सरकार की गोदी में बैठे हो तो सरकार आपको हर जगह डिफेंड करेगी। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो गलत बयानी भी करेगी। आपको याद है तबलीगी जमात वाला मामला, उस वक्त चीफ जस्टिस बोबडे ने अदालत में कहा था इस खबर के मुताबिक कि मीडिया ने विचारों की अभिव्यक्ति का गलत इस्तेमाल किया। जिस तरह से तबलीगी जमात के मामले में मीडिया का पूरा किरदार रहा है, उसको लेकर बहुत कड़े तेवर सुप्रीम कोर्ट ने अपनाए थे। और क्या आप जानते हैं, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर गोदी मीडिया के, तबलीगी जमात के मामले में जिस तरह से वो झूठा प्रोपेगेंडा चला रहा था, जिस तरह से वो गलत बयानी कर रहा था, उस सब को सही ठहराने का प्रयास करती दिखाई दी थी।
और ये शो आज से कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्तों पहले मैंने यही न्यूज क्लिक पर किया था, यहीं पर बैठकर किया था। आइए मैं अब आपको बतलाने वाला हूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर किस तरह से बीजेपी सरकार ने गोदी मीडिया के गलत कामों को डिफेंड किया था, उसे सही ठहराने का प्रयास किया था। देखिए, मैं आता हूं आपको सुप्रीम कोर्ट में जो लताड़ लगाई है उस पर आपके सामने बात करने, क्योंकि तबलीगी जमात के बहाने हमारी मीडिया ने जो जहर परोसा, जहर तो एक अलग बात है, झूठ परोसा, जिसका नतीजा यह हुआ कि समाज के अंदर मुसलमानों के बॉयकॉट करने की बात उठने लगी। मैं आपको बताने वाला हूं जिस मीडिया को केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर सही बता रही है, डिफेंड कर रही है, उनका झूठ क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहले आपके सामने ऑल्ट न्यूज की एक खबर। दोस्तों, अमर उजाला ही नहीं, पत्रिका ने इस खबर के मुताबिक यह बताया था कि तबलीगी जमात के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने नॉनवेज की मांग की सहारनपुर में, और जब उन्हें नॉनवेज नहीं मिला तो उन्होंने खाना फेंक दिया और वहां खुले में शौच की। यह खबर कई मीडिया चैनल्स ने चलाई, कई अखबारों ने चलाई। अब मैं आपको किसी और की बात नहीं दोस्तों, सहारनपुर पुलिस की बात बताने वाला हूं। और इस तरह की मीडिया की जो है सही ठहरा रही है केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर। यह देखिए आपके सामने सहारनपुर पुलिस का यह बयान। अवगत कराना है कि विभिन्न समाचार पत्रों, न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रकाशित की जा रही खबर, क्वारंटीन किए गए जमातियों ने खाने में नॉनवेज ना मिलने पर किया जमकर हंगामा, जमातियों ने खुले में ही कर डाली शौच की सत्यता की जांच और आवश्यक कार्रवाई करने हेतु थाना प्रभारी रामपुर मनिहारन को निर्देश दिए गए थे, जिनके द्वारा जांच की गई तो जांच में विभिन्न समाचार पत्रों, न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित की जा रही उक्त खबर पूर्ण रूप से गलत और असत्य पाई गई है। ये कौन कह रहा है? ये कोई और नहीं कह रहा है दोस्तों, सहारनपुर पुलिस कह रही है। सहारनपुर पुलिस मीडिया की पोल खोल रही है, उस मीडिया को जिसे सही ठहराने की कोशिश केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर कर रही है। यह इन्होंने कोई बयान नहीं दिया है, जिस तरह से बेशर्मी का बयान आया है प्रकाश जावड़ेकर और जेपी नड्डा का, यह झूठ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा है क्या? इन्हें शर्म नहीं आती है? एक और झूठ, इंडिया टीवी ने 2017 का एक वीडियो पेश किया जिसके अंदर उन्होंने यह दावा किया कि ये जो इस्लामिक प्रीचर हैं जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं वो जमातियों से कह रहे थे कि तुम थूको। ये 2017 का वीडियो था, मुद्दा बिल्कुल अलग था, और 2017 का वीडियो था, और आप जानते हैं 2020 में तबलीगी जमात वाली घटना हुई है। इस वीडियो को, तो इस मीडिया को तुम डिफेंड कर रहे हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आगे देखो, आपको याद है न्यूज 18 में एक कार्यक्रम चला था जिसमें यह कहा गया था, और यह कार्यक्रम इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, कि तबलीगी जमात के लिंक्स पाकिस्तान के साथ हैं। मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर यह बात सही है तो बहुत बड़ी खबर है, दिल्ली पुलिस को इस पर बयान देना चाहिए। कोई बयान नहीं आया दोस्तों, इस न्यूज चैनल ने यह झूठ की खबर परोसी और गायब हो गया। तो चाहे अर्नब गोस्वामी के मामले में जिस शिवसेना के विधायक ने कड़े तेवर अपनाए थे उस पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड हो मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो मीडिया जो इस सरकार की सेवा करती है उसे सही ठहराना हो, आपके सामने संदेश साफ है। मैं आपको बतला दूं कि इस मुद्दे को लेकर शिवसेना ने कड़े तेवर अपना लिए हैं। शिवसेना ने इस मुद्दे को लेकर कहा है, संजय राउत का एक बयान आया है कि हम पर इस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के रेड का कोई असर नहीं पड़ता। पार्टी की जो राज्यसभा सांसद है प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। प्रियंका कहती है, द मेथडोलॉजी ऑफ मिसयूजिंग ईडी आईटी यानी इनकम टैक्स सीबीआई हैज बीन यूज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू साइलेंस ओपोनेंट्स जस्ट सो मेनी टाइम्स दैट इवन पीपल कैन सी थ्रू द वेंडेटा। ईडी इज रिड्यूस्ड टू ओनली एनफोर्सिंग सेंटर्स विम्स एंड फैंसीज आर रिजॉल्व टू फाइट बैक ओनली गेट स्ट्रॉन्गर ब्रिंग इट ऑन। प्रियंका चतुर्वेदी यहां पर साफ तौर पर कह रही हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है
और बेशक आप हमें निशाना बनाएं, आपके इस जुल्म का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं और हमारे जो इरादे हैं इससे और भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। यानी कि सरकारी चाटुकारों को जिस तरह से सरकार डिफेंड कर रही है उससे अब एक नया राजनीतिक तूफान सामने उभर कर आया है, जिसके जरिए शिवसेना और बीजेपी जो हैं वो आमने सामने हैं। और ये जंग जो है ना दोस्तों, वो बहुत दिलचस्प होने वाली है। और वो क्यों, मैं आपको बतलाता हूं। क्योंकि विचारधारा के मायने से शिवसेना और बीजेपी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए अगर ये लड़ाई होगी तो वह बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, आक्रामक लड़ाई होगी। कड़े शब्दों का आदान प्रदान होगा। आशंका इस बात को लेकर भी है कि आने वाले दिनों में राजनीतिक कार्यकर्ताओं में हिंसा भी हो सकती है। और ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो अपने चाटुकारों को डिफेंड कर रही है, शिवसेना भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। मगर द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर आप इस सरकार की सेवा करेंगे तो सरकार आपका ख्याल रखेगी। मगर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आप में से जो लोग अब भी अर्णब गोस्वामी को पत्रकार मानते हैं, मुझे आपके सोचने के तरीके पर तरस आता है। यह पूरा प्रकरण बताता है कि अर्णब गोस्वामी कहीं ना कहीं एक पत्रकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता बन गए। जिस तरह से आपने देखा होगा, जिस दिन इन्हें गिरफ्तार किया गया था, चाहे प्रकाश जावड़ेकर हो, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, सबने इसे आपातकाल बताया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड यही साबित करता है कि यह शख्स कोई पत्रकार नहीं है, बीजेपी का एक नेता बनकर रह गया है, और यह पत्रकारिता की मौत है। जी हां, और आप जानते हैं सबसे हास्यास्पद बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी आपातकाल की बात करती है जब अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी होती है। वो ये भूल जाती है कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, वो लगातार पत्रकार जो जमीनी काम कर रहे हैं, किसी का प्रोपेगेंडा नहीं, किसी की सुपारी लेकर नहीं बैठे हैं, वो लोगों से जुड़े मुद्दे कर रहे हैं, उन पर FIR दर्ज की जा रही है, उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। सिद्दीक कप्पन, पवन जायसवाल, धवल पटेल गुजरात से, ये तमाम छोटी छोटी मिसालें हैं। और दुख की बात यह है दोस्तों कि इन्हें डिफेंड करने के लिए इनकी अपनी संस्थाएं सामने उभर कर नहीं आती हैं, और सही मायनों में यही लोग पत्रकारिता कर रहे हैं। बोल के लब आजाद है तेरे में, बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।